हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। टीवी शोज़ और मूवीज़ ड्रग्स की तरह होते हैं, जिसकी लत अगर आपको एक बार लग जाए तो ट्रस्ट मी, बहुत मुश्किल हो जाता है इसे छोड़ पाना। ऐसे ही कुछ शानदार टीवी शोज़ की लिस्ट मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ, जिनमें से कुछ शोज़ तो ऐसे हैं जिनकी ज़्यादा बातें भी नहीं होती है। तो वीडियो को देखते रहिए एंड तक, ताकि आप जान पाए कि कौन से हैं आज तक के बेस्ट टीवी शोज़। जी हाँ दोस्तों, साल 2017 में रिलीज हुई क्राइम ड्रामा यह शो बहुत ही जल्द काफ़ी फेमस हो गई है। मनी हाइस्ट आजकल बहुत चल रहा है एंड इसका क्रेज़ भी बहुत बढ़ चुका है। मैंने भी देखी है ये शो और मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी है। प्रोफेसर, टोक्यो, बर्लिन और भी कई बेहतरीन कैरेक्टर्स और बांधने वाली स्टोरी के साथ मनी हाइस्ट आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देगी। और अगर नंबर 10 पर मनी हाइस्ट जैसी शो है तो ज़रा सोचिए कि आगे कौन कौन से शोज़ का नाम आएगा। This is Hawkins. I know the worst thing that's ever happened here in the 4 years I've been working here. साल 2016 में रिलीज हुई ये हॉरर फिक्शन है हमारे नंबर 9 पर। ओके, आई नो, प्लीज अब आप ये मत कहना कि स्ट्रेंजर थिंग्स टॉप 3 में होना चाहिए। आई मीन ये हो सकता है, लेकिन आपके टॉप 3 में। मैंने ये शो देखी है और ऑब्वियसली मुझे पसंद आई है, बट मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी है कि मैं इसे टॉप स्पॉट पर ले जाऊं। लेकिन ये शो टॉप 10 में रहने लायक ज़रूर है। इस शो से भी बेहतर कई और शोज लगे हैं मुझे, जो आप देखकर समझ ही जाएंगे। When I was a kid, I used to dream what it would be like to live somewhere far away from Hell's Kitchen. नंबर 8 पर है 2015 में आई मार्वल की अभी तक की बेस्ट टीवी शो डेयर डेविल। गाइस, अगर आपने यह शो देखा हुआ है तो आपको पता ही होगा कि क्यों मैं इसका इतना बड़ा फैन हो चुका हूँ। शानदार स्टोरी, बेहतरीन कैरेक्टर से सजी ये एक्शन फिक्शन आपका समय बर्बाद होने नहीं देगी। विलेंस की अगर बात की जाए तो ये शो आपको ऐसे विलेंस से रूबरू कराती है जो हमारे प्यारे मैट मर्डॉक की लाइफ को काफी मुश्किल बना देती है। इसका 3rd सीजन सबसे बेस्ट है, तो टाइम निकाल के ये शो आप जरूर देखिए। Shadow of Rome is past. You Thracian will die. If you go to war, you are destined for great and unfortunate. मैंने बहुत सी टॉप 10 की लिस्ट देखी है, मगर इस शो के बारे में बहुत ही कम लोग बात करते हैं। स्पार्टाकस कहानी है ग्लेडिएटर की, जिसने रोमन एम्पायर के अगेंस्ट रेबल किया था। इस शो में आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मतलब सब कुछ, भरपूर एक्शन, भरपूर ड्रामा, भरपूर अगर आपने इस शो का 1 या 2 एपिसोड्स निकाल लिया है तो ट्रस्ट मी, आपको गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे ही गूज़बम्प्स देखने को मिलेंगे। और ये शो मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगा। चम, you're a soldier. It's going to take you a while to adjust to civilian life. And writing a blog about everything that happens to you will honestly help you. Number 6 पर है मॉडर्न डे शर्लॉक होम्स। जी हाँ, मॉडर्न डे में अगर शर्लॉक होम्स होता तो कैसा होता? बेनेडिक्ट कंबरबैच ने शर्लॉक होम्स को छोटे पर्दे पर ऐसा उतारा है जो शायद कोई और ही उतार पाता। कैसे शर्लॉक होम्स अपने दिमाग में सभी चीज़ें कैलकुलेट करता है, कैसे वो सिचुएशंस डिडक्ट करता है, ये सारी चीज़ें हम सभी को देखने को मिलती है। अगर आप में जासूसी गुण हैं तो आपको ये शो पूरा मौका देती है शर्लॉक के साथ क्राइम सॉल्व करने का। Imagine you were born in a poor family, in a poor country. And by the time you were 28 years old, you have so much money you can't even count it. Number 5 पर है नार्कोस,
2015 में रिलीज हुई यह शो अपने पहले सीजन में कहानी दिखाती है एक ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्केबार की। आई होप मैंने नाम सही लिया है। कहा जाता है उस टाइम पर पाब्लो एस्केबार दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर इंसानों में से एक था। एक बार उसकी बेटी को ठंड लग रही थी तो इन भाई साहब ने $2 मिलियन को आग लगा दिया था जिससे वे थोड़ी देर के लिए गर्मी पैदा कर सके। जी हाँ, रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड इस शो को आप अपने मस्ट वॉच की लिस्ट में जरूर डाल दीजिए। There are people out there who do really bad things. नंबर 4 पर है 2006 में रिलीज हुई क्राइम ड्रामा शो डेक्स्टर। ये कहानी है डेक्स्टर मॉर्गन की, जो दिन में काम करता है पुलिस के लिए और रात को करता है मर्डर्स। लेकिन ये सिर्फ सीरियल किलर्स को ही मारता है, तो क्या ये विजिलेंट है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेक्स्टर को खून करना पसंद है। जी हाँ, सही सुना आपने। ये तो डेक्स्टर की डार्क स्टोरी है, लेकिन काफ़ी जगह आपको यह शो फनी भी लगने लगती है। ये शो आप ज़रूर देखिए। अब हम बात करने वाले हैं आज के हमारे टॉप 3 टीवी शोज़ के बारे में। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम इस चैनल पर बात करते रहेंगे टीवी शोज़ और मूवीज से रिलेटेड, सो बी सब्सक्राइब्ड। अब आगे बढ़ते हैं हमारे टॉप 3 की ओर। नंबर 3 स्पॉट दिया गया है अमेरिकन सिटकॉम फ्रेंड्स को। फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा शो है। मैंने खुद इस शो को कई बार रिपीट कर करके देखा है। रॉस, रेचल, मोनिका, चैंडलर बिंग, जोई एंड फीप्स एक दूसरे के ही नहीं बल्कि हर एक दर्शक के फ्रेंड्स बन चुके हैं। अगर आपने गलती से ये शो नहीं देखी है तो प्लीज़ मैं कहूँगा आप ये शो ज़रूर देखें। नंबर 2 पर है ब्रेकिंग बैड। आई नो आप में से बहुत लोग होंगे जो कह रहे होंगे कि मैं बेवकूफ हूं क्योंकि ये शो डिजर्व करता है नंबर 1 स्पॉट। आप सही भी हैं अपने लिए, लेकिन मैंने इस शो को नंबर 2 स्पॉट दिया है क्योंकि इस शो को रफ्तार पकड़ते हुए थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आप हमारे मिस्टर वाइट के साथ कुछ एपिसोड्स रह गए तो फिर समझिए आपने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीवी शोज देख लिया है। इट इज अ मस्ट वॉच यू गाइस, प्लीज वॉच इट। नंबर 1 स्पॉट दिया है नन अदर देन गेम ऑफ थ्रोन्स को। जी हाँ, एक फैंटेसी वर्ल्ड जहाँ कई किंग्स फाइट कर रहे हैं वेस्टरस पर कब्जा जमाने के लिए। अब हाँ, मैं मानता हूँ कि इस शो का आखिरी सीजन थोड़ा डल रहा था। अच्छा ओके, थोड़ा ज़्यादा ही डल रहा था। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि ये शो बेकार हो गया? नहीं, ये शो ने कई रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं, लोगों को ऐसे ऐसे शॉक्स दिए हैं, ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स दिए हैं जो इस शो को देखने वाले लोग अपनी लाइफ टाइम में कभी नहीं भुला सकते। तो ये थी मेरी टॉप 10 लिस्ट। गाइस प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके लिए टॉप 3 टीवी शोज़ कौन से होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।